तेलंगाना राज्य के लिए 1969 में 1969 से लेकर के 2014 तक चले एक लंबे आंदोलन के फलस्वरूप तेलंगाना आंदोलन के दौरान जो नारा दिया गया था निल्लू नितलो और न्या मा कालू, लेकिन सत्ता में आने के बाद केसीआर ने तेलंगाना आंदोलन के द्वारा किए गए वादों को ही भूल गए। जब तेलंगाना बना था भाइयों बहनों, तब तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस राज्य था। आज तेलंगाना 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में फंस चुका है। याद करिए, आज बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी समिति, यानी बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी समिति। और यहां के नौजवानों के साथ, यहां के किसानों के साथ, यहां के महिलाओं के साथ बीआरएस आज यहां पर धोखा करने का कार्य कहा कर रही है। भाइयों बहनों, इसीलिए मैं कहता हूं तेलंगाना के मुख्य मुद्दों यानी नीलू नितुलू और नियामा कालू को पूरा करने में केसीआर पूरी तरह विफल रहे हैं। नीलू यानी पानी आज तेलंगाना में अवैध धन का स्रोत बन गया है। चाहे वह कालेश्वरम के नाम पर राज्य की सभी लंबित परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया हो, या फिर पलामारू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना का मुद्दा हो, जिसे अब केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल बना करके हल करने का प्रयास कर रही है। नितलू यानी पैसा, परिवारों ने बैंकों से पैसा निकाल लिया है, जिसके चलते अमीर राज्य एक ऋण राज्य बन गया है। आज यहाँ पर केवल कर्जा है, राज्य पे कर्जा है। हर बच्चा पैदा होता है यहाँ की सरकार की गलत नीतियों के कारण वह कर्ज के बोझ से दबा हुआ होता है।